अक्षय तृतीया के दिन SBI स्थित परशुराम भगवान के मंदिर के पास चाणक ब्राह्मण महासभा के द्वारा पूजा अर्चना के साथ भाव भारती और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को 5 बजे से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान चाणक्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू दीक्षित ने कहा कि भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं है, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि कलिकाल के अंत में वे उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तपस्थली थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। विप्रवंश के गौरव प्रभु परशुराम जी के प्रकटोत्सव के उत्सव पर भगवान परशुराम मंदिर में सुबह से अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद दोपहर से भंडारा का व्यवस्था की गई है और सभी मतलब विप्रवंश के लिए गौरव की बात है। आज स्वर्णिम तिथि आज हमारे लिए आज हमारे परशुराम जी का प्रकटोत्सव है और विप्र समाज के सभी लोग उपस्थित हैं और इसमें विप्र समाज के अलावा भी अदर समाज के भी लोग उपस्थित हैं। परशुराम सबके थे। सुबह से अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, हवन पूजन, उसके बाद दोपहर 1 बजे से भंडारा प्रसाद का वितरण चलेगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा। शोभा यात्रा भी निकलेगी, वो गोल बाजार से निकलेगी और मशोरा घाट जाएगी, वो 5 बजे निकलेगी और जितने भी तक चले शोभा यात्रा। मैं पंडित रमाकांत पप्पू दीक्षित, प्रदेश प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष चाणक्य ब्राह्मण महासभा कटनी।